ಗಾಳಿಯ ಸಿಂಬಲ್ घटना में एक 3 साल की बच्ची है जो खेलने के लिए गई थी उसके घर में, उसकी जलने से मृत्यु हो गई। उसकी एक बड़ी बहन 12 साल की उम्र की है वो, तथा इस घर की जो मालिक है वो महिला की घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया है। एक की मृत्यु हो गई, 2 लाख बताया। तो सर ये जो अभी विस्फोटर हुआ है, जो आग लगी है, क्या इसका कैसे हुआ है? इसकी की जा रही है, इनका कोई लाइसेंस अभी तक जानकारी मुताबिक नहीं था। पैसे भंडारण के जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई करा।